आई थिंक द एक्सपीरियंस हैज बीन सुपर्ब. और ये एसी जो है ना, आई एम फीलिंग वेरी कूल, मुझे कूल लग रहा है यहाँ पे. तो मतलब आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इस मेट्रो का, मतलब इट्स बीन सुपर्ब. जर्नीज वी हैड 3 or 4 जर्नीज राइट नाउ, इट्स बीन सुपर्ब, वेरी कंफर्टेबल. एंड जैसे कि इन माई स्कूल डेज ना, मेरे स्कूल के दिनों में वी आई शुड टेक द लोकल. मेरा स्कूल जूहू में था और मैं पेट्रोल के पास में रहता, तो मतलब इट वॉज वेरी कन्वीनियंट. लेकिन अब आई विश मेट्रो तब था. जैसे कर नहीं रहे, वी आर गोइंग हियर, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं. जो हमारे मूवी का थीम है लेकर, हम दीवाना दिल, सो वी सॉर्ट ऑफ जो प्रमोशन कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द कर रहे हैं, यू नो. सो जैसे मूवी में हम लोग एक सफ़र लेते हैं, एक जर्नी लेते हैं, सो इट्स फ्रॉम बाइक्स टू ट्रेन्स टू जो भी यू नो ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स. आई थिंक वी ट्राई एवरीथिंग इन द मूवी. तो इसलिए आज जब हम मेट्रो यू नो पहली बार चढ़े, तो वो एक फीलिंग थी कि अरे हम शूट पर यू नो वी वर ऑन द ट्रेन, एंड उस इतने दिनों के बाद अरमान और मैं फिर से एक एक्सपीरियंस एक जर्नी पर जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा. और कुछ ही दिन पहले रणवीर के साथ एक फुटबॉल मैच हुआ था, एंड बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज इट्स सो एक्साइटिंग, यू नो. आप पहली बार रणवीर कपूर से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ गर्ल यू लाइक वो आपके पेट में बटरफ्लाई आ जाते हैं. और मुझे लगा पूरे दिन, मुझे लगा कि क्या बोलूँगी मैं, कुछ बोल नहीं पाऊँगी रणवीर कपूर को क्या बोलते हैं. बट इतना स्वीट था, इतना चार्मिंग, इतना गुड लुकिंग था, सो इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग. एक्चुअली नहीं, ये मेरा फर्स्ट, मैंने साउथ में 7 मूवीज़ की है, तो मैं जैसे पब्लिक, मेरा फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस नहीं है. और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यू नो जब मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, और बचपन में किसी ने जैसे पूछा नहीं अब हमारे बारे मेरे बारे में, और अभी सब इतना पूछना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग है. डरने वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है. ओके, दरअसल लेकर हम दीवाना दिल जो 4 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, इट्स एक्चुअली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल, डीनो एंड करिश्मा, जो हम लोग दोनों हैं. और इट्स एक्चुअली अ जर्नी. तो जैसे हम लोग अब मेट्रो पर हैं, तो वी इट्स अ जर्नी टेकन बाइक्स पे होती है, ट्रेन्स में होती है, तो मतलब इट्स बिन अ वेरी फन जर्नी. और जर्नी के देखिए, क्योंकि जर्नी में फ्रेंडशिप होता है, प्यार होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो देयर इज अ लॉट इन द फिल्म. और द जर्नी इज द फन बिट ऑफ द फिल्म. तो बहुत यंग, बहुत रिलेटेबल मूवी है. आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरी नेबर हो सकती है, या यू नो मेरे कॉलेज में ऐसी एक लड़की थी या लड़का था, तो वो वाली फीलिंग है. और हमने बहुत एटलीस्ट हमने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए. तो 4 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाकर लेकर हम दीवाना दिल देखिए. हमारा मेट्रो में अभी सफ़र बहुत अच्छा रहा, और अगर आप लेकर हम दीवाना दिल देखेंगे, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा. सो थैंक यू. थैंक यू. To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.